हेलो एवरीवन, मैं अंकित पांडे RKGS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत ही स्वागत करता हूं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मेरी पिछली वीडियोस पे बहुत सारा प्यार दिखाया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आज की क्लास की शुरुआत एक शेर के जरिए होगी। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छूकर दिखाना होता है। मरना तो सबको है यार, लेकिन कुछ ऐसा काम करके मरो कि इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो और दुनिया आपको युगों युगों तक याद रखे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास बढ़िया तरह से पढ़ेंगे। आप मेरी वीडियोस देखिए, वीडियोस पूरा नहीं देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, ये बात आज समझ लीजिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनेगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, हमने कल क्या पढ़ा, बुध ग्रह के बारे में पढ़ा, शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ा, मार्स मर्क्यूरी पढ़ा और वीनस पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है। पृथ्वी पर जरा ध्यान देते हैं, समझते हैं। पहला हमारा क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये हमारा ये हो गया सन। सन मतलब बेटा, नहीं नहीं नहीं, सूरज, सूरज वाला सन। यहाँ पहला आपको क्या आ जाएगा, मर्क्यूरी। फिर क्या आ जाएगा, वीनस। फिर क्या आ जाएगा, अर्थ। अर्थ मतलब क्या, पृथ्वी, जहाँ पे हम क्या करते हैं, रहते हैं, जहाँ हमारा घर है। आइए शुरुआत करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, यहाँ मैं पॉइंट्स लिखते चल रहा हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा। यह हमारे सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। क्या संभव है बच्चा, जीवन संभव है, जीवन संभव है। यह हमारे सौरमंडल का इकलौता ऐसा प्लैनेट है, पहला ऐसा प्लैनेट पूरे 8 और 9 ग्रह में जहां पर जीवन संभव है। ओके, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं बेटा, नीला ग्रह कहते हैं। क्यों, ब्रैकेट में लिख दूं, ब्लू प्लैनेट। आज ब्लू है पानी, पानी चलिए ब्लू प्लैनेट को हम जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के 71% पर क्या है, पानी है। यहीं पे इस पॉइंट को लिखेंगे, अगला पॉइंट हम यहीं डालते हैं, पॉइंट नंबर थ्री। इस ग्रह पर 71% पानी और 29% जमीन है। इस ग्रह पर 71% पानी है, 71% क्या है, पानी है, और 29% क्या है, जमीन है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। पिछली वीडियोस पे आपने बहुत बढ़िया प्यार दिखाया, एकदम दिल खुश कर दिया, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इस वीडियो को भी ऐसा ही आप वायरल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुँचे, ठीक है। इस ग्रह पर कितना पानी है, 71% पानी है, इसीलिए प्लैनेट हमें कैसा दिखाई देता है, आज ब्लू है पानी, पानी पृथ्वी पे क्या ज्यादा है, पानी, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 पर आएंगे। पॉइंट नंबर 4, यह अपनी धुरी पर कितना झुका है, पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पर, मैं बनाकर दिखाता हूं पृथ्वी को एक्सिस के साथ, देखिए कितना बढ़िया गोला है, क्या शानदार गोला है, वाह 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 वाह। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर कितना टिल्ट है, ये देखिए गोला हमने अच्छा बनाया, लेकिन यहाँ पे साला थोड़ा सा ये खराब हो गया, क्या एक्सिस इसका, यह अपने टिल्ट पर कितना एक्सिस है, 23 degrees 30 minutes, 23.5 degrees क्या है, यह अपने एक्सिस पर टिल्ट है। यह अपनी धुरी पर 23.5 degrees झुका है।
अच्छा मेरे बच्चों, 23.5 डिग्री झुका है तो आंतरिक कोण कितना बनेगा? ये तो हमने इसका बाह्य कोण देख लिया ना, 23.5 डिग्री। अब बच्चा लोग आता बात आंतरिक कोण की, इनर एंगल कितना बनाता है? आप लोग याद कर लीजिए इनर एंगल निकालने का तरीका, 90 माइनस 23.5, 90 में से आप 23.5 करेंगे कितना आएगा? सिंपल सा 66.5। 66.5 डिग्री क्या है? इसका आंतरिक कोण है। अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुका है और आंतरिक कोण पे कितना झुका रहेगा ये आपका, इसके नीचे लिख दे रहा हूं, आंतरिक कोण पे ये झुकेगा आपका 66.5 डिग्री। याद कर लीजिए, यहीं पर इसी क्लास में इसी चैनल पे पूरी जानकारी दी जाएगी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यह हो गया हमारा यहाँ तक का। अब एक पॉइंट और आता है इसी के साथ, इसके साथ कौन सा पॉइंट आता है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बढ़िया। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 14.96 करोड़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है बच्चे? 14,95,96,000 किलोमीटर। कितना है इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? याद कर लीजिएगा, 14.96 करोड़ किलोमीटर। याद कर लीजिए, इसी के बराबर क्या होता है? 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। एक खगोलीय दूरी कितनी होती है? 14.96 करोड़ किलोमीटर, फिजिक्स में बताया था। एवरेज डिस्टेंस कितनी होती है? 14,95,96,000 किलोमीटर। किलोमीटर याद हो जाए, यही 14,95,96,000 14.96 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है, एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद आता है यहां पर हमारा अगला, फटाफट से अगला हम जानेंगे, यह जो है पॉइंट नंबर 6 पृथ्वी के बारे में। पॉइंट नंबर 6 क्या है? यह शुक्र और मंगल के बीच का ग्रह है। याद कर लीजिए, बीच का ग्रह है। अच्छा मेरे बच्चे, कैसे शुक्र और मंगल के बीच का ग्रह है? आइए देखते हैं। अर्थ ये है, यहाँ पे आपका क्या है? मार्स है। वीनस और मार्स के बीच में क्या आता है? अर्थ आता है। वीनस और मार्स के बीच में क्या आता है? अर्थ आता है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सारे पॉइंट, फटाफट। पहला पॉइंट, यहाँ यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है? जीवन संभव है। यह इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। किस नंबर पे आता है जहाँ जीवन संभव है? इसका प्लेस कौन सा है? तीसरे नंबर पर आता है। इसको भी मैं ही लिख दे रहा हूँ, आप भूलिएगा मत, नहीं तो आप लोग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भूल जाते हैं। खाना खाना नहीं भूलेंगे, लेकिन ये जरूर भूल जाएंगे, जिससे आपको जिंदगी भर खाना मिलेगा वो चीज़ आप भूल जाएंगे। पृथ्वी बना के समझा रहा हूँ, समझते चलिएगा, यहाँ तक क्लियर हो जाए। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या है? इसका एक उपग्रह है। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? इसका उपग्रह कौन है? चंदा मामा दूर के कुएं पकाए पूर के, चंद्रमा है। कौन है पृथ्वी का उपग्रह? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी भी बताऊंगा इसी वीडियो में, आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। वैसे फिलहाल तो हमारा बोर्ड भर चुका है, एक बार जल्दी से आप इसको देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद हम अपनी आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं इसी पे। आगे आते हैं, पॉइंट नंबर 8 इसी में आ जाएगा। यह अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने देर में लगाता है? धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे, चौबीस घंटे में नहीं लगाता, यह आपका लगाता है, देखिए मैं लिखते चल रहा हूँ, 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। ये याद कर लीजिएगा, 23 आवर्स 56 मिनट्स और
कितना सेकंड, 4.09 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है अपनी एक्सिस का, अपनी जगह पर। ये दिन रात कैसे होता, पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिसमें एक दिन होता है और एक रात होती है 12-12 घंटों को। तो इसी को मिलाकर के 4 साल में ये मिल करके एक दिन और बनता है, जो फरवरी में लीप ईयर बनता है 29 डेज का। ठीक है, यहाँ तक हो गया हो तो इसको हम क्या करें, इसका हम सफाई करें और पॉइंट नंबर 9 लिखें। मेरे बच्चों, बहुत मज़ेदार क्लास बन रही है पृथ्वी के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। आइए पृथ्वी के बारे में कुछ और मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ों पे चर्चा करें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट्स पर। अगला पॉइंट क्या है, आइए जरा उसे हम क्या करेंगे, नज़र डालेंगे, देखेंगे, बढ़िया बढ़िया पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 क्या है अपना, नज़र डालिए। पॉइंट नंबर 9, यह सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में कंप्लीट करता है, ये भी जानना ज़रूरी है। पृथ्वी का तो मैंने बता दिया 23:56 4.09 सेकंड हो गया। अब बात आती है सूर्य का चक्कर, सूर्य का एक पूरा चक्कर। अगर मैं बात करूं सूर्य का पूरा एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो ये लगाता है 365 डे 5 आवर्स। मैं देखिए इसको यहां लिख रहा हूं, उसके बाद यहां लिख रहा हूं 8 मिनट। इसको मैं 8 मिनट 4.65 सेकेंड पूरा लिख दिया, 365 दिन 5 घंटे 8 मिनट और 4.95 सेकेंड लगा करके ये एक दिन जोड़ता है 4 साल में। यहाँ तक क्लियर होगा, तब ये 365 से 366 डेज होगा सूर्य का। ये इसका पाथ है पृथ्वी का, यहाँ पे क्या है सन है, यहाँ पे क्या है अर्थ है। ये सूर्य का पूरा एक चक्कर कितने दिन में लगाएगा, इतने दिन में लगाएगा। जब पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक होगी, सूर्य से जब इस डिस्टेंस पर होगी, तो ये क्या डिस्टेंस होगी और ये क्या डिस्टेंस होगी, मैं बता देता हूँ, देखते चलिएगा समझते चलिएगा। जब सूर्य से पृथ्वी इस जगह पर होगी तो वो सबसे दूर होगी, क्योंकि ये पाथ जो है वो अलग से इस टाइप का बना होता है, तो सूर्य से दूरी है। लेकिन जब इस जगह पृथ्वी आती है सूर्य के पास, तो क्या होता है, सूर्य से उसकी क्लोजर डिस्टेंस होती है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। ठीक है, ये बात और ये फिगर अपने दिमाग में याद रखिएगा, अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस फिगर को आप बना लीजिए, क्योंकि ये फिगर जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप बनाइए फटाफट से, इसको आप फटाफट से बनाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बना लिया, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ का पलायन वेग क्या है, अगर हमें ये पृथ्वी से पलायन करना है, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाना है, तो कितना हमें स्पीड चाहिए किसी भी रॉकेट की। पॉइंट ध्यान समझिएगा, अगर हमें पृथ्वी से बाहर जाना है तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो हमें कम से कम 8 किलोमीटर पर सेकेंड, जो रॉकेट की स्पीड होनी चाहिए वो 8 किलोमीटर एक सेकंड में जब जाएगी, तब पृथ्वी के इस गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल के वो फ्री स्पेस में चली जाएगी। ठीक है, कितना स्पीड चाहिए, 8 किलोमीटर पर सेकंड मिनिमम, कम से कम मिनिमम कितना चाहिए, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड हम क्या बताते हैं इसकी, 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हम पढ़ते हैं। लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इसी स्पीड से रॉकेट से, तभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को रॉकेट पार कर सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, इसका औसत घनत्व कितना है, पॉइंट नंबर 10। देखिए पृथ्वी के बारे में ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ, इसका घनत्व कितना है, घनत्व है आपका 5.52।
कितना घनत्व है? 5.52। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.52। रट लीजिए, याद हो जाना चाहिए, एग्जाम में 5.52 दिखे, आंख बंद करिए, टिक मारिए, क्वेश्चन गलत नहीं करना है चाहे जो हो जाए। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 11 क्या है, जरा पॉइंट नंबर 11 पे भी चर्चा कर लेते हैं। यह ग्रह पृथ्वी जो है वो किधर से किधर चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य का किधर से किधर चक्कर लगाती है? हम यहाँ पर छोटी सी पृथ्वी बनाते हैं प्यारी सी, ये अगर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो पृथ्वी सूर्य का किधर से किधर चक्कर लगाती है? ये पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाती है। किधर लगाती है पृथ्वी सूर्य का चक्कर? सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाती है। ओके, किधर से किधर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाती है, इसीलिए सूर्य उदय किधर से होगा? हमारा जो मॉर्निंग में सनराइज होता है, सूर्य किधर से निकलता है? वो आपका निकलता है ईस्ट, मतलब पूर्व की तरफ से निकलता है। अगर सूर्य का चक्कर पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाएगी तो क्या होगा? सूर्य पश्चिम से निकलेगा। तभी लोग कहेंगे आज क्या हुआ है कि सूर्य पश्चिम से निकला, आपके दर्शन हो गए, ईद का चांद हो गए हैं आप। तो लोग जो कहते हैं वो तो बस बातें हैं, लेकिन पृथ्वी सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ लगाती है, इसलिए सूर्योदय हमेशा पूर्व से होता है। बात समझ में आ रही है? तो हाँ बोलिए और कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और वीडियो पे बराबर ऐसा प्यार दिखाते रहिए, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आपके पास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंचे। अब बात आती है पृथ्वी की उम्र कितनी है। पृथ्वी की उम्र 4.5 अरब साल, 4.5 बिलियन ईयर्स है। कितना है? 4.5 अरब साल है, मतलब सूर्य से कितना कम है? 0.5 अरब साल। सूर्य से पृथ्वी क्या है? छोटी है। सूर्य का मैंने क्या बताया था? 5 अरब साल। पृथ्वी का 4.5 अरब साल औसत उम्र है, और यह लगभग भी अपने आधे उम्र पर आ चुकी है, इसकी आधी जीवन काल अभी बाकी है। आते हैं पॉइंट नंबर 13, इसको इरेज करते हैं। बट मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया। आगे आते हैं पॉइंट नंबर 13। मेरे बच्चों, मजा आ रहा है ना क्लास में पढ़ने में? क्योंकि इसी तरह से पढ़ाई करते रहेंगे तो चीजें भी समझ में आएगी और क्लास इंटरेस्टिंग मजेदार होगी। इसकी बात पे पॉइंट नंबर 13, फटाफट से 13, आज हम पृथ्वी खत्म करेंगे। पॉइंट नंबर 13, यह पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी पूर्ण गोल नहीं है, अपने ध्रुवों पर चपटी है। यह अपने ध्रुवों पर चपटी है। ध्रुव कितने होते हैं? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। पृथ्वी बनाऊंगा हल्का सा इस टाइप का, कुछ ज़्यादा ही चपटी हो गई, इतनी चपटी नहीं है, हल्का बनाऊंगा तो नॉर्थ पोल पे चपटी है और साउथ पोल पे चपटी है। प्रॉपर गोल नहीं है पृथ्वी, हल्की नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या है? चपटी है। पॉइंट नंबर 14, पृथ्वी के बारे में आइए इसी क्लास में चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 14, पृथ्वी का औसत वेग कितना है? एवरेज स्पीड कितनी है? 29.76 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी कितनी स्पीड से घूम रही है अंतरिक्ष में? 29.76 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर भी आपको पता नहीं चलता, क्यों? क्योंकि हम इतनी बड़ी पृथ्वी बैठे हैं कि हमें पता ही नहीं चलेगा पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, तो पृथ्वी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, ठीक है ना? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 15। बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास बन रही है, मजा मेरे बच्चों को आ रहा है। पॉइंट नंबर 15 क्या है, आइए देखते हैं। इसी के साथ हम जानते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। इसका द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान 5.96 × 10⁻²⁴ किलोग्राम है। 5.96 × 10⁻²⁴ किलोग्राम,
5.96 × 10^24 किलोग्राम है, इसको इसमें आगे 24 जीरो लगा दी, उतना किलोग्राम उतनी वजन पृथ्वी है कि कोई कितना बड़ा जाइंट आ जाए, मॉन्स्टर आ जाए, इस पृथ्वी को नहीं उठा सकता। ठीक है, पॉइंट नंबर 16 क्या है, आइए फटाफट से देखते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। पॉइंट नंबर 16 क्या है, यह बुध से दोगुनी बड़ी है, यह बुध से दोगुनी बड़ी है। ये हो गया 16 पॉइंट हमने बताए, आज हमारी हो गई पृथ्वी खत्म, कल मिलेंगे मंगल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू, प्लीज़ वीडियो पे ऐसा ही प्यार दिखाते रहिए।